क्या हुआ शिशा, किसे ढूंढ रही है? उस महेश को, उसने मुझ पे वार किया, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी उसे मैं। शिशा, शिवांगी आज तुमने अपना वचन निभाया है, नागमणि को वापस सुरक्षित उसके स्थान पर ले आई, ये काम तुम ही कर सकती थी, नागमणि को वापस सुरक्षित तुम ही ला सकती थी। अब यही नागमणि तुम्हारे पति की जान बचाएगी। नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी, जान दे दूंगी पर तुम्हें मरने नहीं दूंगी, कभी नहीं। शिवांगी, हम पंचनेर कैसे आए? मुझे नहीं पता, मुझे तुम यही मिले। मगर यहाँ कैसे आया? मैं लास्ट मुझे याद है कि मैं महेश, पता है शिवांगी, महेश और मेरे बीच में वो अच्छा लड़का नहीं है, इतनी घटिया सोच है उसकी औरतों को लेकर, वो हमें रुचिका को बताना होगा, वो रुचिका के लिए सही नहीं है, रुचिका को इस खतरे से बचाना होगा, हमें उसे। मैंने रुचिका से कह दिया है कि वो महेश से दूर रहे, मैंने देखा उसने तुम्हें कैसे चोट पहुंचाई, मैंने उसी वक्त रुचिका को वार्न कर दिया था, उसने मुझे कहा कि वो जानती थी कि महेश कैसा है, उसे लग रहा था कि वो कुछ ऐसा ही करने वाला है, इसलिए उसने महेश के बारे में पुलिस कंप्लेंट कर दी है। तुम चिंता मत करो, अब वो उसकी और हमसे बहुत दूर रहेगा। काश रॉकी मेरी बात मान ले और महेश को भूल जाए। रॉकी, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि उसके साथ मत बैठो, उसके पास मत जाओ, फिर भी तुम उससे जाकर मिले, न जाने कौन सी सुख दुख की बातें कर रहे थे। I'm sorry, I'm really sorry. वो, देखो, okay, I promise, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि आज के बाद तुम मुझे कंपनी दोगी, राइट? पागल हो गए हो? अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करूं? उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम तो वैसे भी चढ़ी रहती हो, अब सातवें आसमान पे तुम्हारा गुस्सा चढ़ा रहता है, सातवें आसमान पे, जस्ट लुक एट इट, आंखें देखो तुम्हारी, एक तो वैसे भी तुम्हारी आंखें इतनी नशीली है, ऊपर से अगर तुमने पी ली तो बाय गॉड मैं तुम्हें हैंडल नहीं कर पाऊंगा, रियली। तुम मुझे हैंडल नहीं कर सकते? नहीं नहीं, मैंने ये थोड़ी कहा था, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि ऐसे मौसम में, ऐसी जगह पर, ऐसा लगता है कि तुम मुझे हैंडल कर रही हो। शिवांगी, I'm really sorry कि तुम्हें इतनी तकलीफ पहुंचाई। I promise, आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। I swear, I'm very sorry। नहीं, अब ऐसे सॉरी मत बोलो, मुझे तुम्हारा ऐसे ख्याल रखना अच्छा लगता है। अगर मैडम की इजाजत हो तो घर चले।
चले यहाँ से? नहीं, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए कि महेश कैसे मरा। उसे वरदान मिला था कि ना उसे कोई भगवान, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर मार सकता है। फिर इतना शक्तिशाली यहाँ कौन आया जिसने महेश को मार दिया? तुझे तो खुश होना चाहिए कि महेश मर गया। अब घर चल, मुझे रॉकी का पता लगाना है। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए कि महेश कैसे मरा। मुझे नहीं पता वो कैसे मरा। मैं शिव मंदिर में बेहोश थी, तो मुझे कैसे पता हो? तुझे पता है तो बताना नहीं चाहते। मैंने तेरे को इंक्वायरी काउंटर नहीं खोल रखा है। अब हट, जाने दे मुझे। मेरे सवाल का जवाब दे। भूल मत के नागमणि के लिए हम सब एक साथ लड़ रहे हैं। फिर भी नागमणि हमारे पास नहीं है। इसी सवाल का मुझे जवाब चाहिए शीशा, कि नागमणि कहाँ है अगर महेश मर गया तो? बता, ये बेहोश होने से पहले यहाँ क्या हुआ? तेरी इतनी हिम्मत, तूने एक नागिन पे वार किया, अब बच नागिन के पास से। चाहूं तो एक ही डंक में महेश की तरह तुझे भी मार सकती हूँ। पता? मुझे नहीं पता कि नागमणि कहाँ है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि किसे पता होगा। अब अगर तूने मुझ पे विश्वास नहीं किया और मुझे जाने नहीं दिया, तो तुझे ये भी नहीं पता चलेगा कि मुझे क्या पता है। बता, कौन है और किसे क्या पता है? शिवांगी। शिवांगी यहाँ क्या कर रही थी? वो महेश को ढूंढ रही थी, क्योंकि महेश ने रॉकी को मारा। इसका मतलब वो महेश के बारे में जानती थी? नहीं, उसने मुझसे सिर्फ यही कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड महेश ने रॉकी को मारा है। उसे ये नहीं पता कि महेश कौन है। वो महेश को ढूंढने में मेरी मदद कर रही थी। शेषा तू पागल हो गई है। शिवांगी जैसी एक मामूली लड़की महेश को ढूंढने में एक नागिन की मदद कर रही थी। झूठ बोल रही है ना? देख मक्की, ज्यादा दिमाग मत लगा। वो मेरी तरह रॉकी से प्यार करती है, इसलिए महेश को ढूंढने के लिए मैंने उसकी मदद ले ली। इसका मतलब वो जानती थी कि तू नागिन है? तू सच में पागल हो गई है। महेश को ढूंढने के लिए मैंने जो कुछ भी किया, मैंने उसे देखने नहीं दिया। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो वो यहाँ नहीं थी, तो बता कहाँ है वो? मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ है। मुझे बस ये पता करना है कि नागमणि कहाँ है, ताकि उस नागमणि से मैं रॉकी की जान बचा सकूं। मधुमक्खियों की आत्मा, बताओ कि शिवांगी कहाँ है? मुझे नहीं लगता तुम्हारे रॉकी को नागमणि या तुम्हारी जरूरत है। शिवांगी, अब तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। आ रही हूं मैं। क्या हुआ? पता है, हम इस जगह इस दरवाजे से न जाने कितनी बार एक साथ गुजरे हैं, है ना? मैं कुछ समझी नहीं। मैं भी कहां समझा था आज तक। हर रोज हम इस दरवाजे से गुजरते हैं, हर बार एक दूसरे के दिलों में एक अलग ही एहसास लेके। दरवाजा तो वही होता है, पर जज्बात कुछ अलग होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी हम मिलते हैं ना एक दूसरे के साथ, हम हमेशा थोड़ा झगड़ा या पता नहीं। अरे क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? नहीं नहीं, तुम कुछ कह रहे थे ना। फिलोसॉफिकल हो गया था इसलिए। तुम ये ना क्या कर रहे हो? हम बाहर कर रहे हैं। बाहर का छोड़। एक दूसरे के दिलों के अंदर, जानते हो शिवांगी, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी दुल्हन बन के अंदर आ।